देवेंद्र जी, इंडिया अलायंस या फिर इनके जो जो भी पार्टनर है शिवसेना से लेकर उद्धव जी की शिवसेना से लेकर सभी, वो अभी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम को आपने कैंडिडेट बनाया चुनावी फायदे के लिए, जो है आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो, कह रहे कि हमारे ये भगवान राम जो है वो प्यार है, बीजेपी के लिए व्यापार है। मैं उनको वापस सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा प्यार है भैया आपका कि आप हलफनामा देते हो कि प्रभु श्री राम है ही नहीं, ये तो काल्पनिक है। आप तो कहते हो राम सेतु है ही नहीं, राम सेतु तो कभी अस्तित्व में था ही नहीं, ये तो एक काल्पनिक इस प्रकार की कथा है, ये कौन सा प्यार है? ये देखिए, आपको प्यार ये केवल तुष्टिकरण से है, आपने जिंदगी में केवल तुष्टिकरण से प्रेम किया। आपको ये लगता था कि माइनॉरिटी अपीजमेंट के भरोसे, माइनॉरिटी वोटों के भरोसे देश पर राज किया जा सकता है, और आपने हमेशा यही किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन 1937 में कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में वंदे मातरम का कत्ल कर दिया, उसको आधा कर दिया, उस दिन से इस देश में जो तुष्टीकरण की नीति शुरू हुई, ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। इसलिए इनको कोई प्यार नहीं, इनको प्यार ये केवल वोटों से, वोट बैंक से, वोट बैंक की राजनीति से।